हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है कि बिना डायलिसिस भी आप किडनी को ठीक कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से या फिर बहुत आसान घरेलू उपाय अपना के भी आप किडनी को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि किडनी खराब होने के कारण क्या क्या है, ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिससे हमारी किडनी खराब होती है, या फिर हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारी किडनी खराब होती है, या हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए जिससे किडनी ठीक रहे, और ऐसी वो कौन चीज है जिससे आपको किडनी बिल्कुल ठीक हो सकती है वो भी बिना डायलिसिस कराई हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताती हूँ। फर्स्ट आपको बताती हूँ कि किडनी खराब होने के आपके जो कारण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, किस वजह से आपकी किडनी खराब हो जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता हम कौन सी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारी किडनी खराब हो जाती है। तो फटाफट से आपको बताती हूँ। फर्स्ट है कि आप बहुत अगर पानी कम पीते हैं तो भी आपकी किडनी खराब हो सकती है, क्योंकि हमारी किडनी को पानी की पर्याप्त मात्रा चाहिए ताकि वो हमारी जो बॉडी की गंदगी होती है वो क्लियर कर सके, साफ कर सके। तो अगर पानी कम पीने से भी आपकी किडनी खराब हो सकती है, या फिर आप बाहर के जो जंक फूड वगैरह खाते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं जंक फूड, उससे भी आपकी किडनी खराब हो सकती है। ज़्यादा अगर आप नमक इस्तेमाल करते हैं उससे भी आपकी किडनी खराब हो सकती है। ज़्यादा आप पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप बार बार पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा पेन किलर लेने से भी आपकी किडनी पर इफेक्ट पड़ता है और आपकी किडनी खराब हो सकती है। नेक्स्ट है कि आप जो जिम जाके आप जो प्रोटीन पाउडर होता है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए, आप तो वो प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आप प्रोटीन अगर पूर्ति करना चाहते हैं तो प्रोटीन पाउडर की जगह पे आप जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको खा के आप अपनी प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं, बल्कि आप अवॉइड कीजिए प्रोटीन पाउडर को लेना, क्योंकि इससे भी आपकी जो आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और इससे आपकी किडनी खराब हो सकती है। जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है ये किडनी खराब होना, क्योंकि जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनकी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे किडनी खराब होना स्टार्ट हो जाती है, तो डायबिटीज़ वालों को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है उनकी किडनी खराब होने का। तो ये और भी बहुत सारे कारण हैं किडनी खराब होने के, तो आप इन तरीकों से आप बच के रहिए आपकी किडनी खराब ना हो, और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहिए। तो ये तो मैंने कारण बताया कि किडनी खराब होने के क्या क्या कारण है, अगर आप ये कारण आप नहीं करेंगे तो आपकी किडनी हेल्दी रहेगी। अब मैं आपको बताती हूँ उपाय कि आप क्या उपाय करके किडनी को ठीक करा सकते हैं, बिल्कुल डायलिसिस भी नहीं जरूरत पड़ेगी, आपको कोई दर्द झेलने की जरूरत नहीं है, आपको घरेलू उपाय से ही आप ठीक कर सकते हैं। तो कौन कौन से उपाय हैं, फर्स्ट होता है आपका गोखरू का पानी। जी हाँ, बहुत ही ईजी है, आप मार्केट से कहीं से भी गोखरू लेके आ जाइए, या फिर आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं तो आप वहां से भी ला सकते हैं, वहां से लेके आ सकते हैं, क्योंकि गांव के लोग बहुत इजीली बता देंगे आपको कि गोखरू कौन सा होता है, तो आप इजीली उपलब्ध हो जाता है वहां पे, तो आप वो ला सकते हैं, या आप तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, या फिर जो भी जो खाद बीज की जो दवाइयों वगैरह की जो भी आयुर्वेदिक दवाइयों वगैरह की जो भी दुकानें होती हैं, आयुर्वेदिक औषधि मिलती है जहाँ पे, वहाँ पे भी आपको गोखरू मिल जाएगा। तो आपको गोखरू का पाउडर लेके आ जाना है, आपको एक ग्लास में उसको रात भर के लिए भिगो देना है, सुबह आपको बिना गर्म किए बिना उसको उबाले या आपको उसको इस्तेमाल करना है। तो आपको सुबह पी लेना है एक ग्लास, थोड़े थोड़े से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ एकदम से आप नहीं पी सकते हैं, तो थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए, थोड़े से थोड़े थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाते जाइए डेली। तो सुबह खाली पेट इस्तेमाल कीजिए, शाम को इस्तेमाल कीजिए, अगर आप पूरे दिन आप पी सकते हैं तो पूरे दिन इस्तेमाल कीजिए, कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप पूरे दिन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। अगर आप गोखरू का पानी सुबह पी रहे हैं उठ के, तो आपको उसमें 11-12 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, यानी आप अगर सुबह 8 बजे के समथिंग अगर आप गोखरू का पानी पी रहे हैं तो 11-12 बजे तक आप उसको वर्क करने दीजिए, आप काम करने दीजिए आपको किडनी को ठीक करने के लिए। तो आप तब तक आप ना तो पानी पीजिएगा ना आप कुछ भी खाइएगा, कुछ भी मत खाइए 11-12 बजे तक, उसके बाद आप खा सकते हैं, यानी कि 2-3 घंटे तक आपको उसको काम करने दीजिए आपकी किडनी पे, तो वो ना आप कुछ भी ना खाएं 11-12 बजे तक। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं आप खाते हैं उनको भिगो के खाइए, क्योंकि आप सूखे नहीं खा सकते उनको, तो आप भिगो के खाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा।
जो की रोटी खाइए आप, उसकी जगह पे शिंगाड़े का जो आटे का हलवा बना के या फिर उसकी रोटी बना के वो खाइए आप, वो बेनिफिशियल रहेगा आपके। आंवला खाइए, आंवला आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आंवले का जूस पी सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है आपके लिए। अंकुरित अनाज खाइए, आप उनको उगा लीजिए, उसके बाद अंकुरित अनाज का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ आपको योग भी करना है क्योंकि आपको जल्दी बेनिफिशियल चाहिए, अच्छा आपको फायदा चाहिए, तो उसके साथ साथ ही आप योग भी कीजिए। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जो पवन मुक्तासन होता है वो कर सकते हैं, और भी बहुत सारे योग है जो आप कर सकते हैं किडनी को आपको ठीक करने के लिए। तो मैंने इसमें आपको पूरे आपको कारण भी बता दिए हैं, आपको उपाय भी बता दिए हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको खाना भी बता दिया कि आपको क्या क्या खाना है, इसके साथ साथ आपको योग भी करना है, तो बहुत जल्दी आपको फायदा मिलेगा। अगर आपका क्रिएटिन लेवल ज़्यादा बढ़ गया है तो वो बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको हेल्पफुल लगा हो या फिर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो साथ, तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए।